गगन जी लाइव अगेन करके अपना प्रोडक्ट है, जे गल करिए नशे की तो किसी भी तरीके का नशा जिमें कि टीके हो गए, स्मैक, चिट्टा, अफीम, टोडे, ठीक है, इस तो अलावा एडनोक जीभ थले रखने वाली गोली जां प्रेगासिप जां सिग्नेचर, कोई भी किसी तरीके दियां नशे वाली गोलियां सिंथेटिक नशा पहले दिन तो आप बंद करवा। साडा जिहड़ा प्रोडक्ट है की करता है कि नशे की तोड़ नूं तां खत्म करता ही है, नाल दी नाल इह साडी विल पावर नूं स्ट्रोंग करता, साडे अंदर जान पाउंदा। जे अगर मैं कहना भी ये प्रोडक्ट महीने वास्ते थोड़ा कोर्स है, डेढ़ महीने वास्ते कोर्स है, वध तो वध 5-7 दिन उपर हो सकता, ये नहीं वे तुसीं 6 महीने इहदे ते लगे रहो। गगन जी देखो, सब तो वड्डी गल हैगी कि जिहड़ी अपनी मैडिसन हैगी आ इह प्योर आयुर्वेदिक हैगी आ, और आयुर्वेदिक मैडिसन हैगी आ, और इहदे घट्टो घट्ट 20 तरह दीआं जड़ी बूटियां हैगीआं, कुछ क जड़ी बूटियां इदलियां हैगीआं, कुछ क जड़ी बूटियां वालियां हैगीआं, और जड़ियां बूटियां जड़ियां विच हैगीआं उह अंदर जिहड़ी शरीर नूं शक्ति चाहीदी हुंदी नशा छड्डण वास्ते, उहदे विच मतलब कि जड़ी बूटियां दी शक्ति हैगी आ, जिहदे करके मतलब कि बंदे नूं कोई तोड़ तकलीफ नहीं लगदी पहले दिन तों, कि बिना किसी तोड़ तकलीफ बंदा नशा कोई भी हैगा छड्डिया जा सकता, चाहे कोई चिट्टा होवे, चाहे उहदे टीके लांदा होवे बंदा, उह बंदे भी अपने कोल मतलब कि ठीक हैगे बिल्कुल। हज़ारां लोग ठीक हो चुके हैगे आ, और बाहर भी साडा प्रोडक्ट बहुत जा रहा, कैनेडा, अमेरिका, मतलब कि यूके, हर जगह मतलब कि अपना प्रोडक्ट जा रहा है। और सब तो वड्डी गल हैगी कि जिथे भी अपना प्रोडक्ट जाता, अगर एक पेशेंट ठीक होंदा तो उसको 10 ऑर्डर होर आते हैं। सत श्री अकाल द सिटी हेडलाइंस देख रहे हो तुसीं, मैं तुहाडा दोस्त गगन समात। पंजाब की गल करिए, पंजाब दे विच छेवां दरिया जिहड़ा अजकल नशियां दा वग रहा है, पंजाब सरकार द्वारा भी उपराले किए जा रहे हैं, पर किते ना किते कुछ कारण अजिहे हो जाते हैं जिन्हां करके इस दलदल दे विचों निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारिया संस्थावां बन चुकिया ने जिहड़ियां कि उह नौजवानां नूं जो दलदल दे विच फसे हुए आ बाहर कढ़न की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग भी अजिहे ने जिहड़े वक्क-वक्क प्रोडक्ट भी मार्केट दे विच लै के आए आ जिन्हां दे नाल इस दलदल दे विचों बाहर निकलिया जा सकता। ते अज मेरे नाल राम बंगा जी मौजूद ने, नाल गुरदीप बैंस जी मौजूद ने, उन्हां कोल भी एक प्रोडक्ट है जिस नाल चिट्टे तो लैके अफीम होवे, भुक्की होवे, डोडे, जिहड़ा मर्जी नशा होवे उह नशा छड़वाउण दा दावा करदे ने, उह भी बिना तकलीफ तो, बिना किसी दर्द तो, बिना दखल होए। ते बाकी ज़्यादा जानकारी दावा किया जाता है कि जिहड़ा तुहाडा प्रोडक्ट है उहदे नाल चिट्टे वर्गा भयानक नशा भी छड्डिया जा सकता है, अफीम भी छड्डी जा सकती है, गांजा भी छड्डिया जा सकता है, सारा नशा जिहड़ा गोलियां दा चाहे आपां गल कर लगे वी प्रोडक्ट नाल छड्डिया जा सकदा। तुहाडा प्रोडक्ट कम किवें करदा, की नां तुहाडे प्रोडक्ट दा? गगन जी लाइव अगेन करके अपना प्रोडक्ट है, जे गल करिए नशे की तो किसी भी तरीके का नशा जिमें कि टीके हो गए, स्मैक, चिट्टा, अफीम, टोडे, ठीक है, इस तो अलावा एडनोक जीभ थले रखने वाली गोली जां प्रेगासिप जां सिग्नेचर, कोई भी किसी तरीके दियां नशे वाली गोलियां सिंथेटिक नशा पहले दिन तो आप बंद करवा दें, और ये लगभग 20 तरीके दी जड़ी बूटियां दे नाल तैयार किया जाता, ठीक है, जिहदे विच कि नशा, देखो नशा की करता, साडे अंदर एक घर कर लैंदा, कमजोरी पा दिंदा, साडी विल पावर आ जिहड़ी उहनूं बहुत घटा दिंदा जां खत्म कर दिंदा एक तरीके दा। जदों बंदे दे अंदर ना विल पावर आ तो उह कुछ भी कर सकदा। साडा जिहड़ा प्रोडक्ट आ इह की करदा है कि नशे की तोड़ नूं तां खत्म करदा ही है, नाल दी नाल इह साडी विल पावर नूं स्ट्रोंग करदा, साढ़े अंदर जान पाउंदा, और जदों असीं अंदरों स्ट्रोंग हैं तो फिर आपां किसी भी चीज़ नूं कुछ भी कुछ कर सकते। पंकज सर, बहुत सारे ना लोग कमेंट करके भी तुहानूं पुछणगे कि अज जे आपां मार्केट की गल करिए बहुत सारिया थावां इहो जिहियां खुल्लियां होईयां ने जिथे नशा छड़ाओ गोलियां दित्तियां जांदियां ने, लोग कहिंदे ने कि चिट्टे वर्गा नशा असीं छड़ाउणे आ, पर किते जीभ थले रखण वाली गोली दित्ती जांदी आ, पर लोग डरदे ने कि एक नशे तों तोड़ के दूजे नवे नशे ते लाया जांदा है, कि तुहाडे प्रोडक्ट दे विच कोई अजिही चीज़ तां नहीं हैगी जां कोई नशा छड्डना चाहुंदा नशा छड्ड के तुहाडे प्रोडक्ट दे उप्पर डिपेंड हो जाऊगा वी तुहाडा प्रोडक्ट यूज़ करन लग जू? गगन जी देखो, मोस्टली की है जिहनूं आपां जीभ थले रखण वाली गोली की गल करदे, तुहाडी गल ते आपां गल करदे हां, बई जिहड़ी पहलां नशा छड्डिया चिट्टा होया, डोडे होए, अफीम होई, ठीक है, सरकारी हस्पतालां दे विच फ्री दे विच गोली मिलदी है जां सेंटरां दे विच वी गोली मिलदी है, पर वो जदों गोली ते लगदे आ एक तो दो तो चार होंदियां, हौली हौली करदे करदे
वो गोली देखो दवा का मतलब होंगे आराम, बंदा कहता भी मैं नशा छड़न वाली दवाई यूज़ कर रहा, कि जीभ थले रखने वाली गोली टाइम कितना हो गया, कहता जी 2 साल या 3 साल, मतलब ये कि दवाई होगी जी 3 साल चलती है, दवाई का मतलब आराम होंगे थोनू जिन्ने चिर का कोर्स दसिया महीने का 2 महीने का 3 महीने का, पर 3 साल का कोई कोर्स तो होंगे नहीं, तुहाडा प्रोडक्ट आराम दिंदा। जे अगर मैं कहना भी ये प्रोडक्ट महीने वास्ते थोड़ा कोर्स है, 1.5 महीने वास्ते कोर्स है, वध तो वध 5-7 दिन उपर हो सकता, ये नहीं भाई तुसी 6 महीने ये लगे रहो। देखो जी ड्रिंक नू छड़ के बाकी कोई भी नशा पहले दिन तो बंद करवा दो, 100% इहदा रिजल्ट है, पहले दिन तो नशा बंद है, मेडिसिन शुरू है, और ये प्रोडक्ट 4-4 दिन का स्टैप है, हरेक 4 दिन बाद इहदी डोज़ घटती जाती, जिदा कि मन के चलो किसी की 5-5 की डोज़ है तो 4 दिन बाद 4-4 की होनी है, उस तो अगले 4 दिन बाद 4-2-4 की होनी है, जोड़ा नशा वो बढ़ता, इन्हें की करना अंदर साढ़े जान पानी आ, जिदे करके हौली हौली घटता 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 जब साड़ी अंदरूनी जी कमजोरी आ पूरी हो जाती है, सानू दोबारा उस चीज़ की लोड़ नहीं पैंदी। पंगा साहब जे आप गल करिए नशे की, है ना, नशा कोई भी इंसान आ करता क्यों आ, किहड़े कारण होंदे ने, किहड़ियां गल्लां होंदियां जिन्हां करके नशा करन नूं उहदा दिल करदा। गगन जी देखो कारण ना हुण तक मैं 2-3 कारण देखे मेन, एक तो की हुंदा है कि जिहड़ा शरीरक पक्षों बंदा काम करता, कोई मजदूर है जां कोई बंदा खेतां दे विच काम करता, वह कहिंदा भी पोस्त खा ली, फीम खा ली, जां कोई होर समान खा लिया, भी उहदे नाल ना भी शरीरक शक्ति वध जांदी है, भी काम दीआं धुक्कियां खुरच जांदियां, धुक्कियां तो बंदे दीआं आपदीआं खुरचियां जांदियां, वह पता 2-3 साल बाद लगता, कारण पहला कारण यह है। दूजा काम कारण जिहड़ा हैगा चौड़ दे विच ज़्यादा पैसे होण करके, है ना, यारां दोस्तां दे नाल भी ला लिया, बस हवा दे विच उड़े रहना, है ना। तीजा सब तो वड्डा कारण हैगा सैक्स, बहुत सारे लोग इहनूं सैक्स टाइमिंग दे लई यूज़ करदे, सब तो वड्डा मेन कारण यह है, जो 3-4 बार इहनूं यूज़ कर लिया अडिक्ट हो जांदा, उस तों बाद छड्डिया नहीं जांदा, फिर साडे कोल आके कहिंदे वी मैं फस गया, मैनूं कड्ढो इहदे विच, और अगर कोई बंदा साडे दसे मुताबक कोर्स करदा ये प्रोडक्ट लेंदा तो बहुत लोगों ने छड्डिया। तुहाडे वल्लों इह दावा कीता जांदा कि जिन्ना मर्जी कोई नशा करता होवे, चाहे वह टीके लाउंदा होवे, चाहे गोलियां कैप्सूल खांदा होवे, टीके लाउंदा होवे, पोस्त खांदा होवे, अफीम खांदा होवे, तुसीं छड़वा दोगे, 100% गरंटी है। देखो जी बंदे का मन अगर छड्डण का भी मैं छड्डना चाहुंदा, तो फिर जिम्मेवारी साडी रह जांदी है, वह सिर्फ साडे कोल इह आ के दस दे भी मैं छड्डना चाहुंदा, दसो जी की करना, जिदा जिदा दसिया जिहड़ियां प्रीकॉशनस दसियां वह वरतनियां ने, ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट का यूज़ करना, और 100% गरंटी है कि वह नशा छड़ेगा, और बहुत लोग हज़ार लोग छड़ चुके हैं। बैंस साहब मेरे बैठे आ, बैंस साहब इस प्रोडक्ट के खास किहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां दे करके चिट्टे वर्गा भयानक नशा भी लोग छड़ देंगे। गगन जी देखो सब तो वड्डी गल हैगी कि जिहड़ी अपनी मेडिसिन हैगी प्योर आयुर्वेदिक हैगी, और आयुर्वेदिक मेडिसिन हैगी, और घट्टो घट्ट 20 तरह दी जड़ी बूटियां हैगियां, कुछ क जड़ी बूटियां इधरलियां हैगियां, कुछ क जड़ी बूटियां वालियां हैगियां, और जड़ियां बूटियां जिहड़ियां विच हैगियां वो अंदर जिहड़ी शरीर नूं शक्ति चाहीदी हुंदी नशा छड्डण वास्ते, उहदे विच मतलब कि जड़ी बूटियां दी शक्ति हैगी आ, जिहदे करके मतलब कि बंदे नूं कोई तोड़ तकलीफ नहीं लगदी, पहले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई तोड़ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मतलब कि बिना किसी तोड़ तकलीफ बंदा नशा कोई भी हैगा छड्डिया जा सकता, चाहे कोई चिट्टा होवे, चाहे उहदे टीके लांदा होवे बंदा, वह बंदे भी अपने कोल मतलब कि ठीक हैगे बिल्कुल। देखो आपां तां उहनां नूं पेशेंट ही कहांगे, ठीक है, लोग उन्होंने बहुत कुछ कहते हैं नशेड़ी कहें कुछ कहें, साढ़े हिसाब से जो उन्होंने दर्द इतने फील करते हैं ज महसूस करते हैं जो साढ़े को आके इतने बैठते हैं, अपने कई तो परसन आ कि अपने को रोन लग पाते हैं कि मैं दल दल के फस गया लेकिन निकलना चाहना है, लेकिन असं उन्होंने बड़े प्यार ट्रीट करते हैं, असं उन्होंने मेडिसिन दें, जो दल दल चो निकलना चाहता वो निकल जाता है, और सब तो वड्डी गल हैगी कि मेडिसिन जी हैगी लगती नहीं हैगी, ये नहीं कि आप बाकी नशा छड़ के इस दवाई पर लग जाएंगे, जिदा सरण दसिया कि हर 4-4 दिन का स्टैप हैगा, और 4-4 दिन बाद दवाई घटती जाती हैगी, और असी यह भी गल कह कि जो पेरेंट्स है अपने नशे के जो बच्चा फस जाता हैगा उन्होंने बड़े ही टॉर्चर किया जाता, पेरेंट्स जो भी चाचे नाने मामे जो भी है बहुत ज़्यादा मतलब कि टॉर्चर करते हैं, लेकिन उन्होंने प्यार समझना चाहिए है, ठीक है, उन्होंने प्यार समझावे वो बस की गल नहीं हैगी, और फसता जाता है, लेकिन जो निकलना है वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और निकलने वास्ते ही अपने को एक मेडिसिन हैगी जो आराम परिवार के रह के ना किसी सेंटर के भेज के और परिवार के अगर प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करता है तो उन्होंने मतलब कि छड़िया जा सकता। आप कह सकते हैं कि तुहाडे कोल जो भी कोई आता बिना तकलीफ तो बिना दाखिल होए बिना किसी तोड़ तो
नशा छड़ सकता है। 100% गरंटी है भी तुहाडे कोल आउण तों बाद नशा छड के जाऊगा। देखो जी, अगर थोड़ा मन है नशा छड्डण दा तां साडी गरंटी है 100%। क्योंकि मन दा मतलब की है, मन कर जांदा, बंदा कहिंदा वी मन करके नशा छड्डिया जांदा, ठीक है, मन बना लिया। तुसीं तोड़ नूं एक दिन झल लोगे, दो दिन झल लोगे, अगर तीजे दिन कोई ना कोई अंग पैर खड़ गया, कोई अटैक आ गया, उत्थे जिम्मेवारी किस दी है? उत्थे दवाई दी जिम्मेवारी, उत्थे इह प्रोडक्ट दी जिम्मेवारी। तां ही करके इह प्रोडक्ट दित्ता जांदा कि कोई अंग पैर ना खड़े, कोई तोड़ ना लगे, ठीक है। तोड़ दे नाल नाल इहने जान पाउणी है। तुसीं अज मेडिसिन शुरू की है, 10-15 दिन बाद उस बंदे दी फोटो खिंच लो, जमीन आसमान का फर्क। पंगे साहब, लोग जिहड़े लोग तुहानूं हुण देख रहे आ, मैं साफ तौर पर यह गल लोगों नूं कह सकदा कि हुण जेकर तुहाडे बच्चे नशा करदे आ, जेकर तुहाडे रिश्तेदार चों कोई अडिक्टड हैगा इस बीमारी आपां कह सकदे बीमारी दे विच कोई जकड़िया होया, उन्हां नूं हुण डरन दी लोड़ नहीं है, तुहाडे कोल आ सकदे आ, उह तुहानूं मिल सकदे आ, ते जिहड़ा नशा करदे ने ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, 100% ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚਿੜਦੇ ਨੇ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ, ਔਰ 100% ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋੜ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੰਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 81-460-052-22 8146-00-522। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 88-470-81-432 ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 88-470-81-432। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਫਿਸ ਓਪਨ। ਸੋ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਗਗਨ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਮੇਨ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੜਿਆ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 101% ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਫੀਮ, ਪੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ, ਸਮੈਕ, ਗੋਲੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ 101% ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਧ ਨਾਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਸੰਤ ਸਮਾਧ।